दिनेश सर आवाज आ रही है? हेलो दिनेश सर आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ सर आवाज आ रही है, आवाज आ रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही है? आप आवाज नहीं आ रही है? आवाज चालू करूँ? स्टार्ट करूँ? ओके ओके ठीक, आवाज आ रही है ना? साउंड आ रहा है? साउंड आ रहा है मेरा? ओके ठीक 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 सर। नमस्कार बच्चों, दिनेश सर मेरी आवाज आ रही होगी ऐसा मैं आशा करता हूँ। अगर बीच में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है या कुछ आवाज नहीं आ रही है तो प्लीज आप मुझे बताइएगा। मैं समझ रहा हूँ कि मेरी आवाज बच्चों तक सुनाई दे रही होगी। बच्चों मेरा नाम चंद्रशेखर यादव सर है और बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। एक बार फिर से हम लोग साइंस वन विज्ञान में है और आपको मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये कक्षा 10वीं का लेक्चर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गड़बड़ी कर रहे हैं, लिंक की वजह से दूसरे क्लास के यानी 9th क्लास के लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और हम लोग भाग एक यानी साइंस वन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये चैप्टर पांचवा है, पाक क्या है? पांचवा है और इसका नाम क्या है? उष्मा, जिसे हम हीट भी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? हीट भी। और ये लेक्चर पहले से शुरू हो चुका है, आगे के कंटिन्यूएशन के लिए, आगे के भाग के लिए जो भी कुछ टॉपिक्स है वो मुझे दिया गया है और वो मैं आपको कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है और आप लोगों ने कुछ चीजें पढ़ भी ली होगी। और आज जो मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई है वो पानी का असंगत व्यवहार क्या होता है उसे पढ़ाना है और उससे संबंधित जो भी चीजें हैं जैसे होक का उत्तरण क्या होता है या कुछ साइंटिफिक रीजन वैज्ञानिक कारण इससे संबंधित इन सभी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो जो मेरा कॉन्सेप्ट है जिसे मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ यानी पानी का असंगत व्यवहार, उसे शुरू करने के पहले यानी उसे स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब वो बेसिक चीज क्या है? देखिए सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो मैटर है ठीक है, द्रव्य, इसकी कौन कौन सी अवस्था है। तो सभी बच्चों को मालूम है कि जो मैटर है उसकी या द्रव्य है उसकी कितनी अवस्था है? 3 अवस्थाओं के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। कौन कौन से बच्चों?
ठोस हुआ, सबको मालूम अच्छी तरह से, द्रव हुआ, और तीसरा जो अवस्था होता है, तीसरी जो अवस्था होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैसीय अवस्था या गैस अवस्था। ठीक है, अब मैं आपको ये तीन अवस्था क्यों बता रहा हूं, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा आगे चल के, क्योंकि जब तक मैं आपको तीन अवस्थाओं के बारे में जानकारी नहीं दूंगा तब तक आपको ऊष्मा का मतलब या ऊष्मा का जब हम लोग उपयोग करते हैं तो क्या होता है, किस तरह का परिवर्तन होता है, वो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा ऊष्मा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ऊष्मा का मतलब क्या होता है, हीट। ठीक है, इससे एनर्जी भी मिलती है, आप किसी बहुत सारे लकड़ियों को जलाते हो तो वहां से आपको क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है, हीट मिलती है। अच्छा मैंने आपको तीन अवस्थाओं के बारे में बात किया, पहला कौन सा अवस्था था, ठोस। ठीक है, अभी ठोस में क्या होता है बच्चों, ये जो कण रहते हैं ना बहुत नजदीक नजदीक रहते हैं, ठोस के जो कण रहते हैं ये बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, द्रव, आप लोग को ये सब मालूम है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, द्रव में जो कण रहते हैं ना बच्चों थोड़ा थोड़ा दूर रहते हैं, ठीक है, नजदीक नहीं रहते हैं। और जो तीसरी अवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं, गैसीय अवस्था। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, गैसीय अवस्था। और गैसीय अवस्था में बच्चों जो कण रहते हैं वो बहुत ही दूर दूर रहते हैं। ठीक है, तो सबको ये तीन बात समझ में आ गई, पहली जो अवस्था क्या थी, ठोस, ठीक है मैं उसको ठ लिख देता हूँ, दूसरी अवस्था क्या है, द्रव, ठीक है द्रव लिख देता हूँ, और तीसरी जो अवस्था है बच्चों उसको हम मैं क्या लिखता हूँ, गैस लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा अभी इन तीनों अवस्थाओं को बताने का क्या कारण है, देखिए यहां से हम तीनों अवस्थाओं के बारे में सबसे पहले उष्मा से संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अगर पहली अवस्था ली, पहली अवस्था कौन सी है बच्चों, ठोस, उसके जो कण रहते हैं बच्चों बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। अच्छा एक बात ध्यान में रखना बच्चों, जब ये कण नजदीक नजदीक होते हैं ना तो उस वस्तु का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। अब एक चीज आप ध्यान में रखिए, मैंने एक चीज बताया, एक टर्म बताया, घनत्व, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी। देखो घनत्व का नाम आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, इंग्लिश में हम लोग उसे डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने घनत्व के बारे में जानकारी क्यों दी, क्योंकि आगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा पानी का संगत व्यवहार ना, तो वहां पे आपको घनत्व का उल्लेख किया जाएगा या घनत्व के बारे में बताया जाएगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि ये जो कण है जो एक दूसरे से बहुत नजदीक है, नजदीक होने की वजह से इनका घनत्व क्या होता है, अधिक। अच्छा अगर यही कण अगर आप द्रव में लोगे तो द्रव में ये कण थोड़ा दूर है, ठीक है, दूर होने की वजह से द्रव का घनत्व क्या हो जाएगा, कम। अब इसी प्रकार अगर आप गैस में लोगे तो गैस में तो जो कण रहते हैं बहुत दूर दूर रहते हैं, यानी गैस का जो घनत्व रहता है सबसे कम रहता है। ठीक है, तो यहाँ घनत्व के बारे में ध्यान में रखिए, जब कण बहुत नजदीक रहेंगे तो समझ जाइएगा कि उस वस्तु का घनत्व सबसे अधिक होगा। ठीक है, अच्छा अगर ये मैं ठोस अवस्था का कोई भी पदार्थ लेता हूँ, समझ लीजिए ये ठोस अवस्था का कोई पदार्थ है और इसके अंदर एक कण है, ये छोटे छोटे क्या है, कण है। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, जब हम ठोस को गर्म करेंगे, अब यहाँ पे मैं आपको ऊष्मा का संबंध स्थापित करूंगा, ऊष्मा मतलब हम उसको हीट देने वाले हैं, गर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे बच्चों आप इसको गर्म करोगे तो किस तरह का परिवर्तन होगा उसी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है। अगर आप इस ठोस पदार्थ को जिसके कण बहुत ही नजदीक नजदीक है अगर इसे आप गर्म करोगे तो क्या होगा, गर्म करने के बाद बच्चों ये जो कण रहते हैं ध्यान में रखना, ये कण दूर दूर होने लगेंगे, क्या होने लगेंगे, दूर दूर होने लगेंगे। और आपको बच्चों मालूम है कि जब कण दूर दूर होने लगेंगे तब वह पदार्थ ठोस नहीं रहेगा, या तो द्रव में बदल जाएगा या तो कौन से अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो कणों का आकार है, ये जो कण है बच्चों इनका प्रसरण हो रहा है, प्रसरण का मतलब ये फैल रहे हैं, दूर जा रहे हैं। लेकिन ये बच्चों क्यों दूर जा रहे हैं, इसका कारण क्या है, क्योंकि आपने इनको गर्म किया, आपने इनको हीट दिया, ऊर्जा दिया, इसकी वजह से ये कण दूर दूर जा रहे हैं। तो फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने आपको घनत्व के बारे में बताया, घनत्व में जो कण रहते हैं बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। फिर दूसरी बात मैंने कहा कि अगर किसी ठोस पदार्थ को आप गर्म करोगे, जैसे यहाँ पे आप एक ठोस पदार्थ को गर्म कर रहे हो जिसके कण बहुत नजदीक नजदीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, इसके कण क्या होगा, इसके कण दूर दूर जाएंगे, यानी पदार्थ में क्या होगा, प्रसरण होगा। प्रसरण का मतलब उसके कण दूर दूर जाएंगे, फैलाव होगा। ठीक है, अभी ये दो बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि जो मैं आपको पानी का असंगत व्यवहार पढ़ाने वाला हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी किसी को समझ में आता नहीं है, और बोर्ड में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान में रखिए, बोर्ड में पानी का असंगत व्यवहार जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
लेकिन जल्दी किसी को समझ में आता नहीं है। उसका रीजन यही है। इसे समझने के लिए हमें दो चीजों का ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी ठोस अवस्था को आप ऊष्मा देते हो, गर्म करते हो, तो उसके कण दूर दूर भागेंगे, प्रसरण होगा, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात, अगर वो कण नजदीक नजदीक होते हैं तो एक चीज ध्यान में रखना कि उनकी जो डेंसिटी है, घनत्व, तो क्या होगा, सबसे अधिक होगा, ठीक है। क्लियर हो गया सबको, अच्छी तरह से समझ में आ गया। अच्छा, इसका एक उल्टा भी तो कर सकते हो बच्चों। समझो ये द्रव अवस्था वाला पदार्थ है, द्रव में थोड़े कण दूर दूर होते हैं, हमें मालूम है। अगर इसको आप ठंडा करोगे बच्चों, अगर आप ये द्रव वाले पदार्थ को ठंडा करोगे, तो इसके कण ना बच्चों दूर दूर नहीं जाएंगे, इसके कण नजदीक आएंगे। ध्यान में रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठंडा करने की बात हो रही है, तो इसके कण क्या होगा बच्चों, नजदीक आएंगे। अब ये द्रव वाला जो पदार्थ, जिसको हम लोगों ने द्रव समझा था, ये जो द्रव वाला पदार्थ है, अब ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, किसमें बदल रहा है बच्चों, ये ठोस में बदलते जा रहा है। किसमें बदलते जा रहा है, ये ठोस में बदलते जा रहा है। मतलब ये कि किसी वस्तु को अगर हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो उसके जो कण है वो दूर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, उनके कणों के बीच में दूरी पैदा हो रही है। लेकिन अगर किसी वस्तु को अगर हम ठंडा कर रहे हैं, तो उसके कण क्या हो रहे हैं, नजदीक की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, जुड़ रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये जो स्टार्टिंग वाली बेस चीज मैंने आपको बताई, वो समझ में आई होगी, क्योंकि बिना उसके पानी का असंगत व्यवहार आप नहीं समझ सकते हो, ठीक है। तो हम आते हैं पानी का असंगत व्यवहार के स्लाइड पे, मैं उस स्लाइड पे आपको लेके के चलता हूँ, फिर हम लोग उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है जी बच्चों। अभी देखिए, जो चीज मुझे बताना है आपको, उस पॉइंट पे मैं आ चुका हूँ। मुझे आपको क्या बताना है, पानी का असंगत व्यवहार, एनोलोमस बिहेवियर ऑफ वाटर इंग्लिश में कहते हैं। अब पानी का असंगत व्यवहार, असंगत मतलब पानी से मैच नहीं कर रहा है, पानी के बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैच नहीं कर रही है, इसलिए असंगत व्यवहार बोलते हैं, एनोलोमस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब ये होता क्या है बच्चों, अब मैं आपको थोड़ा सा इसको रीड करके बताऊंगा और फिर अच्छे से समझाऊंगा। अगर आप ध्यान दोगे ना, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन शुरुआत में समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या लिखा गया है, सामान्यतः द्रव को सीमित तापमान तक गर्म करने पर उनका प्रसरण होता है, तथा ठंडा करने पर उनका संकुचन होता है। देख लीजिए, अभी तो मैंने आपको समझाया कि किसी भी द्रव को अगर हम लिक्विड ले लेते हैं, समझ लीजिए ये लिक्विड है, लिक्विड का मतलब द्रव होता है बच्चों। लिक्विड में थोड़े कण दूर दूर होते हैं, ठोस की अवस्था बच्चों। अगर आपने इसको गर्म कर दिया, इसको आपने हीट दे दिया समझो, हाँ, तो गर्म करने के बाद क्या होगा, मैंने पहले भी बताया है, सामान्यतः होता क्या है, नॉर्मली क्या होता है कि ये जो कण है ना बच्चों, दूर दूर भाग जाएंगे। देखो, दूर दूर भाग जाएंगे। अच्छा, ठोस के बाद वाली अवस्था कौन सी होती है, ठोस के बाद वाली अवस्था गैसी होती है। मतलब ठोस किस में बदल रहा है, गैस अवस्था में बदल रहा है। इतना क्लियर हो गया, ये तो नॉर्मल सी बात है, सामान्य बात है। अच्छा, एक चीज और इसमें बताई जा रही है कि तथा ठंडा करने पर उनका संकुचन होता है। अगर आप कोई, देखिए मैंने आपको ये बताया है, अगर ये कोई लिक्विड है, द्रव है, पानी है, जिसके कण दूर दूर होते हैं, अगर इसको ठंडा कर रहे हो, ठंडा करने का मतलब इसके अंदर से ऊष्मा निकाल रहे हो, जैसे कि पानी को आप लोग फ्रिज के अंदर डालते हो, सबको मालूम है, पानी को आप फ्रिज के अंदर डालते हो, तो उस समय पानी के पास जो ऊष्मा रहती है ना बच्चों, वो ऊष्मा निकाल दी जाती है, उसका टेम्परेचर लो हो जाता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से पानी के कण नजदीक नजदीक आ जाते हैं, और आपको अच्छी तरह से मालूम है, कण नजदीक आने की वजह से वही पानी बर्फ में रूपांतरित हो जाता है, ठीक है, आप लोग को अच्छी तरह से मालूम है। ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता है कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, सामान्यतः द्रव को सीमित तापमान तक गर्म करने पर उनका प्रसरण होता है, यानी द्रव के कण जो है दूर दूर जाएंगे, तथा ठंडा करने पर उनका संकुचन होता है, यानी उसके कण नजदीक नजदीक आएंगे। ये तो बात हो गई। परंतु परंतु पानी विशिष्ट तथा अपवादात्मक व्यवहार दर्शाता है। अब यहाँ पे पानी का कुछ तो गुणधर्म है जो इसे मैच नहीं करता है। किसे मैच नहीं करता है कि गर्म करोगे तो प्रसरण होगा, ठंडा करोगे तो संकुचन होगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, 0 डिग्री तापमान के पानी को गर्म करने पर, अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये जो 0 वाला वर्ड है, 3 चीज आप ध्यान में रखिए। 0 डिग्री सेल्सियस, समझ लीजिए मैंने 0 बना दिया, डिग्री सेल्सियस बना दिया, और यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस बना देता हूँ समझने के लिए, और यहाँ पे ऐसे ही मैं 10 डिग्री सेल्सियस बता देता हूँ। अच्छी तरह से समझिए आप लोग, क्योंकि किताब में इसलिए नहीं समझ में आता है कि ये बात कहाँ से कहाँ जा रही है, ठीक है। तो
तो मैंने आपको तीन तापमान बताया है समझने के लिए, 10 की जगह 12, 15, 20 कुछ भी ले लो, लेकिन ये 0 और 4 एकदम इंपॉर्टेंट, इसको लेना ही पड़ेगा। अब ध्यान में रखिए, देखो 0 से 4 पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको मालूम है, उस वस्तु को गर्म करना पड़ेगा। गर्म करोगे तभी तो 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचोगे, और 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस अगर आपको जाना रहेगा बच्चों तो भी गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। इसका उल्टा जरा समझिए, अगर मुझे 10 डिग्री सेल्सियस तापमान से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान तक आना है, कम करना है ना, तो कम करने का मतलब उसे ठंडा करना पड़ेगा। अगर 4 डिग्री सेल्सियस से मुझे 0 डिग्री सेल्सियस तक आना है तो अगेन मुझे ठंडा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी इसमें होता क्या है बच्चों, देखिए आप पानी, अभी हमने इसे पानी का असंगत व्यवहार क्यों कहा, अभी हमने सीखा कि तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, प्रसरण होता है, कणों के जो आकार रहते हैं, जो कण रहते हैं, दूर दूर जाते हैं। लेकिन पानी के केस में बच्चों कुछ अलग होता है। अगर पानी को 0 डिग्री तापमान से 4 डिग्री तापमान तक गर्म करोगे, मतलब कैसे, अगर उसको गर्म करोगे 0 से 1 होगा, 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4, मतलब तापमान बढ़ाते जा रहे हो। तो अभी तो मैंने आपको बताया था कि तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, बताइए। नॉर्मली हमने क्या सीखा है कि द्रव का ताप, द्रव को सीमित तापमान तक गर्म करने पे उनका प्रसरण होता है, ये हमने सीखा। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी को 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ भी तो गर्म कर रहे हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान के पानी को गर्म करने पर 4 डिग्री सेल्सियस तापमान होने तक पानी का प्रसरण न होकर संकुचन होता है बच्चों, यही लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर ये लाइन आपने समझ लिया तो आपको समझ में आएगा, पानी का प्रसरण न होकर संकुचन होता है। तो कुछ उल्टी बात हो गई, हम गर्म भी कर रहे हैं और वो प्रसरण भी नहीं हो रहा है, यानी कण दूर दूर भाग नहीं रहे हैं, कण क्या हो रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, यानी संकुचन हो रहा है। ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना था मुझे। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन सबसे कम होता है, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन, ये जो तापमान है बच्चों, यहाँ पे पानी का आयतन बहुत कम होता है, वॉल्यूम कम होता है, यानी कण नजदीक रहते हैं इसलिए वॉल्यूम कम होता है, ठीक है। वॉल्यूम कम होने का मतलब कण नजदीक आ जाते हैं होता है। और 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पे अब क्या हुआ बच्चों, देख लीजिए जरा, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। अब यहीं पे आपको समझना है, ये 0 डिग्री सेल्सियस में थोड़ा टाइम ले रहा है बच्चों, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो आपको आगे का नहीं समझ में। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले पानी को आपने गर्म कर दिया, आपने कहा था गर्म कर दिया, 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस तक। इस समय क्या हुआ, प्रसरण नहीं हुआ, इसका संकुचन हुआ। संकुचन होने का मतलब उसका आयतन कम हो गया, ध्यान में रखना, आयतन कम हो गया। लेकिन बच्चों अगर 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की तरफ जाओगे, यानी समझो आप 5, 6, 7, अब ये उल्टा काम करने लगते हैं, अब जाके इसका क्या होता है, प्रसरण होता है। क्या होता है, प्रसरण होता है, देखिए अब जाके, यानी क्या हुआ, 4 डिग्री सेल्सियस, ध्यान में रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाओगे, यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10 समझो 10 तक जाओ, तो अब इसका प्रसरण होगा। अब 0 से जब हम लोग आ रहे थे, देखिए जब 0 से आ रहे थे तब प्रसरण नहीं हो रहा था, तब उसका संकुचन हो रहा था, उल्टी बात हो रही थी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का प्रसरण नहीं होता है, पानी का क्या होता है, संकुचन होता है। इसकी वजह से उसका आयतन क्या होता है, आयतन यानी वॉल्यूम क्या होता है, कम। लेकिन बच्चों ध्यान में रखना, आयतन कम होता है लेकिन इसका घनत्व क्या होता है बच्चों, अधिक होता है, ये नोट करके रखना। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व अधिक होता है, उसका रीजन ये है कि 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का आयतन कम है और कण क्या है, एक दूसरे से बहुत नजदीक है, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे दो चीजें आपने सीख ली, क्या सीखा, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पे आपने दो चीजें सीख लिया कि पानी का आयतन जो होता है, पानी का आयतन मतलब बच्चों क्या, वॉल्यूम कम होता है, लेकिन उसका जो घनत्व होता है, वो घनत्व क्या होता है, वो अधिक होता है, क्या होता है, अधिक, ठीक है, यानी मोर होता है, ठीक है, MORE, मोर मतलब अधिक होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, अभी इसी चीज को, अच्छा इसी चीज को हम लोग आलेख के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आप लोगों को अच्छी तरह से समझने के लिए थोड़ा मैं आलेख को जूम करता हूँ, थोड़ा इसका अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा कि है क्या। देखिए ये वाला जो अक्ष है, जिसको वाई अक्ष बोलते हैं, उस पे क्या लिया गया है, पानी का वॉल्यूम लिया गया है, आयतन लिया गया है, ठीक है। और ये वाले तापमान, ये वाला जो एक्स है, जो जिसे हम
एक्स अक्ष बोलते हैं, वो टेम्परेचर दिखा रहा है, यानी अगर आप पानी को गर्म करके जाओगे ना तो तापमान दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही पानी को गर्म करते हो, देखिए ध्यान में, 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक, ये जो 4 डिग्री सेल्सियस है ना बच्चों, इस पे जरा ध्यान देना है, इसी पे सब कुछ है। आप जैसे जैसे तापमान बढ़ा रहे हो, 0 से 4 पे जा रहे हो, तो पानी का जो वॉल्यूम है, आयतन है, देखो कम हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है देखो, और बाद में ऊपर की तरफ जाएगा, यानी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो आयतन है, 0 से 1 पे गए, 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए और 3 से 4 पे गए, तो जो आयतन है 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम हो रहा है। मतलब कौन सी बात, इसका प्रसरण नहीं हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, पानी का संकुचन हो रहा है, उसका आयतन कम हो रहा है। कौन से तापमान तक ये कम होते जाता है बच्चों, जरा ध्यान रखना, 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होते जा रहा है। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ोगे, 5 पे जाओगे, 6 पे जाओगे, 7 पे जाओगे, तो ये जो कर्व है ना, ये जो वक्र ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से पानी का प्रसरण होता है, ये ध्यान में रखिए। यहाँ से 4 डिग्री सेल्सियस तो ऊपर जाओगे ना, तब उसका प्रसरण होता है। जबकि उसका प्रसरण कहाँ होना चाहिए, अगर हम लोग अपनी नॉर्मल भाषा में देखिए, जो हमें हमने सीखा है, उसका प्रसरण 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में भी प्रसरण होना चाहिए था, क्योंकि हम उसे गर्म कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, वो संकुचन हो रहा है, प्रसरण हो रहा है 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, ठीक है। तो इस प्रकार के बिहेवियर को, ठीक है, इस प्रकार के बर्ताव को या व्यवहार को हम लोग क्या कहते हैं, पानी का असंगत व्यवहार, एनालोमस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आपको ध्यान में रखना है परीक्षा की दृष्टि से, ये जो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है ना बच्चों, इस तापमान पर पानी का आयतन होता है कम, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ध्यान में रखना है कि 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का जो घनत्व तो होता है, जिसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं, वो होती है आधी, ठीक है। अब किसी चीज, ठीक है, कितना आप लोग को समझ में आ गया, तो यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होगी, हुई होगी, सब लोगों ने अच्छी तरह से पानी का असंगत व्यवहार समझ लिया होगा, ठीक है। और आपको अच्छा, इसको हम थोड़ी उल्टी भाषा में भी एक अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। अलग तरीके से क्या समझ सकते हो बच्चों, देखिए वो आपको मैं आगे वाले होप के उपकरण में बताऊंगा। यहाँ पे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि गर्म करने पे क्या हुआ, देखो यहाँ से गर्म करने पर, यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पे क्या हो रहा है, उसका संकुचन हो रहा है, बाद में प्रसरण हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक दूसरी भाषा में भी हम लोग समझ सकते हैं, दूसरी भाषा में क्या समझ सकते हैं बच्चों, अगर आप उसको ठंडा करते आ रहे हो, समझो यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस है, उसको ठंडा करते आ रहे हो, ठीक है, उसको क्या कर रहे हो, ठंडा करते आ रहे हो, तो ठंडा करते आओगे तो यहाँ क्या हो रहा है, उसका संकुचन होगा, ठीक है, यानी 10 डिग्री सेल्सियस तक से 4 डिग्री सेल्सियस तक उसका संकुचन होगा। लेकिन अगर 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करोगे तो यहाँ पे प्रसरण होगा, ठीक है। तो अभी मैंने दो तरह से आपको परिभाषा बताया, एक तो गर्म करने के हिसाब से समझिए और एक ठंडा करने के हिसाब से समझिए, ठीक है। दोनों में से किसी एक को अगर ध्यान में रखते हो तो भी चलेगा, सबसे आसान होता है कि गर्म करने वाला, गर्म कर रहे हो 0 डिग्री तापमान से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है। अगर वही 4 से बढ़ जा रहे हो, आप 4 से आगे चले जा रहे हो, तो क्या हो रहा है, उसका प्रसरण हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, इसी व्यवहार को दर्शाने के लिए, इसी व्यवहार को दर्शाने के लिए एक हम लोग प्रयोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है होप के उपकरण की सहायता से पानी के असंगत व्यवहार का अध्ययन करना, ठीक है। तो हम लोग इसे इसका अच्छी तरह से जानकारी लेंगे कि किस प्रकार होप के उपकरण ने दर्शाया, क्या दर्शाया, पानी के असंगत व्यवहार को, ठीक है। तो उसके लिए एक उपकरण दिया गया है, सबसे पहले उस उपकरण के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि उपकरण होता क्या है। बच्चों, इस उपकरण का नाम है होप का उपकरण, और ये कभी कभी बोर्ड में आकृति बनाओ में आ सकता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बिना बनाए आप इसे नहीं बना सकते हो एग्जाम में, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं कि उपकरण होता क्या है और इसके अंदर क्या हो रहा है। पहले इसकी संरचना के बारे में, बनावट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, ये जो बेलनाकार पात्र है, ये धातु का बना होता है, ये देख लीजिए, ये बेलनाकार पात्र है, ये क्या है, बेलनाकार पात्र है, ये धातु का बना होता है, और इसके बीच में बच्चों एक गोलाकार पात्र होता है, देखिए ये जो है ना, गोलाकार पात्र बोलते हैं, ये गोल सा होता है, ठीक है, लगा रहता है। पहली बात मैंने क्या बताया कि ये बेलनाकार पात्र धातु का बना हुआ बेलनाकार पात्र है, इतना बड़ा, और इसी के बीच में गोलाकार पात्र होता है, वो आपने देख लिया, ठीक है। अभी
ये जो गोलाकार पात्र है बच्चों, इसके अंदर कुछ रखा गया है, इसको हम लोग बोलते हैं हिम मिश्रण। हिम मिश्रण, हिम मिश्रण क्या होता है? हिम मिश्रण मतलब बर्फ और नमक, इन दोनों को मिलाकर जो मिश्रण बनाते हैं ये हिम मिश्रण होता है। इसका काम क्या होता है बच्चों? इसका काम होता है टेम्परेचर लो करना, तापमान कम करना। ठीक है, कुल्फी वगैरह बनाते समय आप लोगों ने देखा होगा, आपने कुल्फी खाई होगी, जो कुल्फी वगैरह बनाते हैं वो बहुत सारे जो रोड पे बेचते हैं सर के ऊपर लेके जाते हैं, अगर वो अपना कुल्फी बना के आपको देते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहां पे जो कुल्फी रहती है उसके आसपास हिम मिश्रण रखा जाता है। हिम मिश्रण का मतलब बर्फ और नमक के मिश्रण को जल्दी जल्दी ठंडा करता है किसी भी वस्तु को। ठीक है, तो एक चीज आपने ये समझ लिया, हिम मिश्रण को आपने समझ लिया। हिम मिश्रण का मतलब किसका मिश्रण रहेगा बच्चों? ये बर्फ और नमक का मिश्रण। ठीक है, आगे ये जो गोलाकार पात्र है बच्चों, इसके ऊपरी भाग में थर्मोमीटर रखा गया है, तापमापी रखा गया है। ठीक है, ये तापमापी का नाम T2 रखा गया है। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे फोकस मत करो, यहाँ ध्यान मत दो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और इसी प्रकार यहाँ भी 4 डिग्री सेल्सियस पे फोकस मत करो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी तापमान भूल ही जाओ आप लोग, वो कैसे आया मैं बताता हूँ। और इसके निचले वाले भाग में एक अलग सा थर्मोमीटर रखा गया, तापमापी रखा गया है, जिसको हमने T1 से दिखाया, जिसका तापमान क्या है बच्चों? जिसका तापमान है T1। ठीक है, तो आपने दो तापमापी देखा, T1 और T2। सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, T1 और T2 क्लियर हो गया, किसी तरह का डाउट नहीं होगा, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे एक बाल्टी नुमा पात्र रखा गया है। ये किस लिए रखा गया है बच्चों? जब ये हिम मिश्रण ठंडा होने लगता है ना, यानी ये लिक्विड के रूप में, यानी द्रव के रूप में कन्वर्ट होने लगता है, बदल जाता है, तो ये यहाँ से पिघल कर इस नली के द्वारा इस पात्र में चला आता है। ठीक है, क्योंकि ये जो हिम मिश्रण है धीरे धीरे ठंडा होगा बच्चों, ठंडा होना मतलब धीरे धीरे लिक्विड में बदलते जाएगा। ठीक है, चलो अब इतनी सारी बातें तो आप लोगों ने देख ली कि जो होप का उत्प्रेरण है उसके अंदर क्या है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों, हिम मिश्रण के बारे में ध्यान रखिए। इसके बाद में ये जो दो तापमापी है, जिसका तापमान एक का T2 रखा है, उस पे ध्यान रखिए, और एक और थर्मोमीटर लिया गया है जिसका जिसका टेम्परेचर यानी तापमान T1 से दिखाया गया है। ठीक है, मैंने फिर से बात कहा कि आप लोग अभी 0 और 4 पे फोकस मत कीजिए, नहीं तो समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, हिम मिश्रण का मतलब क्या है वो भी मैंने समझा दिया आपको। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि इसके अंदर क्या होता है, अभी मैंने सिर्फ आपको होप के उपकरण की बनावट बताई। ठीक है, यानी इसको डिस्क्राइब कैसे करने का, तो आपको फिर से शॉर्टकट में बता देता हूँ कि आपका बेलनाकार पात्र है, धातु का बना होता है, ठीक है, इसके अंदर पानी रहता है, और ये गोलाकार पात्र है जिसके अंदर हिम मिश्रण होता है। ठीक है, हिम मिश्रण का काम क्या है? टेम्परेचर लो करना। टेम्परेचर लो करना मतलब ये जो पानी है अंदर का, उसका तापमान कम कर देगा। तो ये जो गोलाकार पात्र है बच्चों, ये वाला, इसके टच में जो पानी है, इसके टच में पानी कौन सा रहेगा? ये जो ये वाला भाग है गोलाकार पात्र का, थोड़ा इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, ये वाले भाग में जो पानी रहेगा ये इसके संपर्क में रहेगा, हिम मिश्रण के संपर्क में रहेगा, और उसका तापमान कम होने का। चलिए इसका हम लोग वर्किंग पढ़ते हैं। वर्किंग का मतलब ये कैसे काम करता है, कैसे ये दर्शाता है पानी के असंगत व्यवहार। ठीक है, तो चलिए मैं हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और वहां पे अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या जानकारी प्राप्त करना है कि यहाँ पे आपको मैंने दो थर्मोमीटर के बारे में बताया, एक का T1 तापमान है, एक का तापमान कितना है बच्चों? एक का तापमान T1 है और एक का T2 है। ठीक है, चलिए अभी पहले क्या होता है कि पानी का जो तापमान रहता है बच्चों, समझ लो आप 20 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी ऐसा समझ के ले लो, आप समझ सकते हो अपने समझने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, पहले जो बेलनाकार पात्र में पानी लिया गया है उसका तापमान सीधे 0 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, उसको टाइम लगता है। तो यानी आप मान लीजिए कि उसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है या 25 डिग्री सेल्सियस है या 15 डिग्री सेल्सियस, जो भी आपको समझना हो समझ सकते हो, आपके समझने के ऊपर है, लेकिन ये 0 और 4 कैसे आता है उसके लिए टाइम लगता है। तो अभी होता क्या है बच्चों, एक मिनट थोड़ा मैं जूम करके लेता हूँ तो आपको अच्छे समझ में। अभी इसमें होता क्या है बच्चों, देखिए ये जो हिम मिश्रण है ये क्या करता है, ठंडा तापमान कम करने का काम करता है। तो इसके संपर्क में जो पानी है, यानी यहाँ पे पानी होगा, ये बेलनाकार पात्र की बात कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर जो पानी है वो किसके संपर्क में है बच्चों? किसके संपर्क में है? तो किसके संपर्क में है? इस हिम मिश्रण के संपर्क में।
अच्छा, किसी वस्तु के आसपास अगर बर्फ के टुकड़े रखोगे तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि उस वस्तु का तापमान कम होने वाला है, क्योंकि बर्फ के टुकड़े ठंडे होते जाते हैं, तापमान उनका गिरते जाता है। तो हिममिश्रण के कारण तापमान गिर रहा है, यानी ये वाले भाग में जो पानी है बेलनाकार पात्र में, उसका तापमान क्या हो जाएगा बच्चों, कम होने लगेगा। ठीक है, यानी वो ठंडा होने लगेगा। अब यहाँ से आपको एक बात समझना है कि समझो पानी का तापमान कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। ध्यान में रखना, मैं फिर से आ रहा हूँ, यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस ऐसा मान लीजिए, और यहाँ पे ऐसा 0 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, यहाँ पे 0 मान लीजिए। अब यहाँ से आप समझना शुरू कीजिएगा, समझे, यहाँ से अगर आप समझोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। फिर से मैं आपको फिर से बना देता हूँ। देखिए, मैं आपको समझने की बात है कि आपके पानी का तापमान कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। आप ये वाले पोर्शन के पानी की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखिए, मैं यहाँ की और यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, मैं ये वाले पोर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ का जो पानी का तापमान है बच्चों, समझो पानी का तापमान, जो मैंने पानी लिया था उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस था, धीरे धीरे कम होते जाएगा, 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, ऐसे ऐसे कम होते जाएगा। ठीक है, समझो 4 डिग्री सेल्सियस तक, हाँ, जैसे जैसे कम होते जाएगा, मतलब 9 पे पहुंचेगा, 8 पे पहुंचेगा। तो ये जो आसपास का जो पानी है बच्चों, ये इसके अंदर का जो पानी है उसका भी तापमान कम होगा। ठीक है, तापमान कम होने की वजह से, अब जरा यहाँ पे ध्यान में रखिए, आप ठंडा होते जा रहे हैं वस्तु, क्या होते जा रहे हैं वस्तु, यानी वो जल पानी ठंडे होते जा रहे हैं। तो ठंडे होने की वजह से बच्चों उसका आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका आयतन कम हो जाएगा। ठीक है, आयतन कम होने के कारण, ध्यान में रखना, मैंने आपको बताया था, अभी ठंडा करने की बात करो, आयतन कम होने के कारण बच्चों उसका घनत्व तो बढ़ जाएगा उस पानी का। कौन से पानी का बढ़ेगा बच्चों, ये पानी जो ये संपर्क में, जिसका घन, हाँ, जिसका घनत्व तो क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा बच्चों, ये वाला जो पानी है, ये भाग में जो पानी है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो क्या करेगा बच्चों, वो पानी नीचे की तरफ आने लगेगा। किधर की तरफ आने लगेगा, नीचे की तरफ आने लगेगा। ठीक है, अब हुआ क्या, डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ने की वजह से पानी, यहाँ वाला जो पानी था वो नीचे की तरफ आने लगा। अब नीचे की तरफ आने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ का जो पानी है बच्चों वो भी ठंडा होने लगेगा। मान लो कि वो पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे था, हमने शुरुआत में क्या बात किया, 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो धीरे धीरे उसका भी तापमान कम होगा, क्योंकि यहाँ का भी पानी ठंडे वाले पानी के टच में आ रहा है जो यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, तो धीरे धीरे उसका भी तापमान कम होगा, और ये तापमान कम होते होते एक समय ऐसा आएगा बच्चों कि कितने तापमान पे पहुंच जाएगा, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान में रखिए, कम होते होते 4 डिग्री सेल्सियस पे वो तापमान पहुंचने लगेगा। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिए कि यहाँ वाला जो पानी है उसका भी तापमान कम हो रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस से धीरे 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 वो कहाँ पे पहुंचेगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब कम होने के बाद क्या होगा बच्चों, जब तक कम हो रहा था तब तक तो उसका आयतन कम हुआ, घनत्व बढ़ा, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस से जब वो और कम होता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ आता है, तब बच्चों यहाँ पे थोड़ी उल्टी बात हो जाती है। उल्टी बात का होने का मतलब ये है बच्चों कि जो यहाँ का पानी था उसकी डेंसिटी अधिक हो रही थी कुछ समय पहले, जब वो 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे था, अब 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होने की वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, पानी में क्या होता है बच्चों, प्रसरण हो जाता है, पानी में क्या होता है, प्रसरण हो जाता है। प्रसरण होने की वजह से उसका घनत्व कम हो जाता है, और घनत्व कम होने की वजह से, यहाँ का जो पानी था उसका घनत्व कम होने की वजह से बच्चों इस बार वो नीचे नहीं आएगा, इस बार कहाँ जाएगा बच्चों, ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब ऊपर जाकर बच्चों यहाँ के पानी को ठंडा करने लगता है। ठीक है, और कंटिन्यूअस लगातार ये पानी यहाँ जाता है। ठीक है, इसलिए इसका तापमान गिरते जाता है, और यहाँ वाला जो पानी था जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस था बच्चों, कुछ देर तक यहाँ पे रुक जाता है। ठीक है, कुछ देर तक 4 डिग्री सेल्सियस पर ये रुक जाता है, और यहाँ का जो पानी है, क्योंकि ये 4 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया है, 0 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, इसलिए ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से क्या है बच्चों, यहाँ का तापमान जो था ये भी एक समय में 4 डिग्री सेल्सियस हुआ होगा, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस होते ही तुरंत ही किस पे चला आया, 0 डिग्री सेल्सियस पे। और कुछ देर के बाद बच्चों ये वाला जो 4 डिग्री सेल्सियस का पानी है, ये भी कुछ देर के बाद ठंडा होके कौन से तापमान पे आ जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे आ जाता है। लेकिन ये T2 जो थर्मोमीटर है, तापमान है जो T2 दिखा रहा है, इसके बाद हुआ था। ठीक है, हालांकि सबसे पहले ठंडा ये शुरू हुआ था, लेकिन
जीरो डिग्री सेल्सियस पे आपका T2 थर्मोमीटर तापमापी पहुंचता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग को अच्छी तरह से एक बात तो समझ में आ गई होगी कि यहाँ का जो पानी था हिमिश्रण के कारण, जब तक हम 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहे थे तब तक उसका आयतन कम हो रहा था, घनत्व तो बढ़ रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था और नीचे वाले पानी को ठंडा कर रहा था और उसके तापमान को कम कर रहा था। लेकिन जैसे ही 4 से और कम होने लगा, मतलब 3, 2, 1 और 0 की तरफ बढ़ने लगा, तब यहाँ पे पानी के असंगत व्यवहार के कारण, ठीक है, क्योंकि देखो हम ठंडा करते जा रहे हैं ना, 10 डिग्री सेल्सियस से हम लोग 4 पे आए, 4 पे आने के बाद 4 से फिर 0 पे जाने वाले हैं, यहाँ तक तो समझ में आया। लेकिन 4 से 0 पे जाने पे उसका प्रसरण होने लगा, यानी उल्टी बात होने लगी, जिसे हमें पानी का असंगत, जिसे हम पानी के असंगत व्यवहार, जिसे हम पानी का क्या कहते हैं, असंगत व्यवहार कहते हैं। ठीक है, तो इसके कारण बच्चों क्या होगा, यहाँ पे दो चीजें हमें सीखने को मिल गई कि सबसे पहले यहाँ के पानी का तापमान कम हो जाता है, वो नीचे की तरफ आता है, नीचे वाले पानी का तापमान गिरने लगता है। कहाँ तक बच्चों तापमान आता है, तो आप बताओ कि 4 डिग्री सेल्सियस तक आता है। देखो यहाँ का तापमान जब 4 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है पानी का तापमान, और 4 से जब नीचे जाता है 0 की तरफ, तो बच्चों यहाँ का पानी अब नीचे नहीं आएगा, यहाँ का पानी ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ का ऊपर पानी जाने का मतलब पानी का जो है प्रसरण हो गया, घनत्व कम हो गया, और जिसका घनत्व कम होता है, जैसे बर्फ का घनत्व कम होता है, बर्फ तैरता है, तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ का जो पानी रहेगा ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर वाले तापमापी का टेम्परेचर जल्दी जल्दी कम कर देता है। ठीक है, आप इसी बात को समझने के लिए हम एक आलेख का भी उपयोग कर सकते हैं बच्चों। देख लीजिए यहाँ पे हम एक आलेख का यूज करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, ऊपर वाला जो तापमापी था उसको T2 दिखाया हम लोगों ने, नीचे वाला जो तापमापी था उसको हमने क्या दिखाया, उसको हमने T1 दिखाया है। देख लीजिए अच्छी तरह से T1 दिखाया। अभी आपको अच्छी तरह से मालूम है सबसे पहले तापमान किसका कम होता है, तो जो नीचे वाला थर्मोमीटर रहता है, नीचे वाला थर्मोमीटर मतलब बच्चों देख लीजिए, आपको अभी मैंने डायग्राम में बताया था, नीचे वाला थर्मोमीटर मतलब ये वाला ये जो थर्मोमीटर, ये वाला थर्मोमीटर जो है इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसके बाद देख लीजिए, सबसे पहले इसका तापमान क्यों कम होता है, आप अच्छी तरह से देख सकते हो, इसका तापमान देखो जल्दी से गिर रहा है। यहाँ पे देखिए तापमान गिरने का मतलब आपको समझ में आया, देखो ये वाला जो अक्ष है ना बच्चों, वायर अक्ष, ये टेम्परेचर को दिखा रहा है, टेम्परेचर को दिखाना मतलब अब ये जो कर्व है, आलेख है, देखो नीचे की तरफ जा रहा है, इसे नीचे की तरफ जाना मतलब बच्चों क्या मालूम है, इसका मतलब होता है कि तापमान गिर रहा है, और जैसे जैसे समय पास हो रहा है तापमान गिर रहा है, क्योंकि वो ठंडा होते जा रहा है। लेकिन बच्चों ये तापमान गिरते 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 देखो यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे अच्छी तरह से देखोगे और मिलाओगे तो ये 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान दिखाई दे रहा है। देखो अच्छी तरह से ये ग्राफ आया, आलेख आया, और यहाँ से इसको जोड़ दीजिए 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस को पानी रुक जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो ऊपर वाला तापमापी था अब वो ठंडा होने लगेगा, वहां का पानी ठंडा होने लगेगा, और उसका भी तापमान देखो गिरते जाता है, जल्दी जल्दी गिरते है, और दोनों दोनों ही एक दूसरे से बच्चों दोनों ही एक दूसरे से कहाँ पे मिलते, इस पॉइंट पे मिलते हैं। दोनों का तापमान एक एक समय में, समझो यहाँ पे अगर टाइम देखोगे तो समझो मान लो 30 मिनट में, ऐसा समझ लो अच्छी तरह से, 30 मिनट में ये दोनों का तापमान क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, इसके बाद आप देखोगे जो ऊपर वाला तापमापी था उसका टेम्परेचर बच्चों बहुत जल्दी नीचे गिर जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पे आ गया। ठीक है, और समय भी बहुत कम लिया, यहाँ पे 35 मिनट पे ही हो गया, और जो बेचारा पहले से ठंडा हो रहा था नीचे वाला तापमापी, वो आगे जाके मतलब कुछ देर के बाद 0 को अटेंड करता है, 0 वाले तापमान को अटेंड कर रहा है। ठीक है, और उसका टाइम देखो तो कितना हो गया, 45 मिनट। समझ में आया कि नहीं, तो यहाँ अच्छी तरह से देख सकते हो 10 मिनट का फर्क है, हालांकि तापमान सबसे पहले किसका गिर रहा था, T1 का गिर रहा था। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि होप का वक्र किस प्रकार सहायता करता है, क्या करने के लिए बच्चों, पानी के असंगत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है, छोटी सी की पॉइंट बता रहा हूँ कि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी को ठंडा करने की बात कर रहा हूँ, क्या होता है, पानी का आयतन क्या हो जाएगा, कम होगा, घनत्व तो क्या होता है, बढ़ जाता है, इसलिए पानी नीचे की तरफ आता है। लेकिन जैसे ही 4 से और कम करोगे तो यहाँ उल्टी बात हो रही है, अब क्या हो रहा है, आयतन बढ़ रहा है, ठीक है, घनत्व कम हो रहा है, तो पानी ऊपर की तरफ जाएगा, रहता है वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा, वो तैरने लगता है ऊपर की तरफ, जैसे बर्फ का टुकड़ा तैरता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पानी का
असंजय देवा। ठीक है, तो समझ में आया होगा, ऐसा ऐसा मैं आशा करता हूँ सभी लोगों को समझ में आया होगा। और इसी से संबंधित एक हम छोटा सा वैज्ञानिक कारण भी समझ लेते हैं जो आपकी किताब में दिया गया है। देख लीजिए सभी लोग, शीत प्रदेशों में वायुमंडल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होने पर वहां के जलचर जीवित रहते हैं। देख लीजिए क्यों जलचर जीवित रहते हैं, उसका रीजन क्या है। देखिए अगर शीत प्रदेशों देखोगे, शीत प्रदेश देखोगे जहां आपका तापमान हमेशा कम होता है बच्चों, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे बर्फ के कारण या वहां पे कौन सी परिस्थिति के कारण जो जलचर होते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं। क्योंकि देखो अभी पानी अगर टेम्परेचर लो होगा तो पूरा का पूरा पानी क्या होना चाहिए, बर्फ में बदलना चाहिए। अब पूरा का पूरा पानी अगर बर्फ में बदल जाएगा तो जो जलचर प्राणी है जैसे मछली हुई या अन्य प्राणी हुए, क्या वो जिंदा रह पाएंगे? नहीं। लेकिन ऐसा क्यों होता है बच्चों, ये जीवित क्यों रहते हैं? पानी के असंगत व्यवहार के कारण। क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो नीचे का तापमान रहता है, अगर आप ये अगर ये जल पकड़ लीजिए, पूरा जल है समझो, समझ लीजिए ठीक है। आप समझो ये जल का तापमान एक समझने के लिए 10 डिग्री सेल्सियस है। तापमान कम करोगे, ठीक है, तापमान कम करोगे तो क्या होगा, समझो 4 डिग्री सेल्सियस तक कम करते आए आप, तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जब तापमान कम होता है तो पानी का आयतन यानी ये जो टॉप लेयर है, यहाँ की जो लेयर है, यहाँ का जो पानी है, उसका आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आयतन कम होने की वजह से उसका घनत्व बढ़ जाएगा और यहाँ के जो पानी के टुकड़े हैं, घनत्व अधिक होने के कारण वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, जैसा कि हमने ओप्त उपकरण में देखा। अच्छा अब जब यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ का भी तापमान कम होने लगेगा, ठीक है। और ये तापमान कहाँ तक कम होता है बच्चों, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान तक कम होता है। अगर यहाँ का तापमान बच्चों, ये नीचे वाला जो तापमान है, ये इसकी बात कर रहा हूँ, अगर ये 4 डिग्री सेल्सियस से और कम हुआ, मतलब 0 की तरफ बढ़ा, तो यहाँ पे अब उल्टा बात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ का जो पानी है उसका प्रसरण हो जाएगा। प्रसरण होने का मतलब क्या है, उसका घनत्व कम हो जाएगा और घनत्व कम होने की वजह से वही पानी यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, यानी बर्फ की एक लेयर बना देगा। और ये जो बर्फ की लेयर होती है, पर्वत होती है बच्चों, ये ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। कुचालक का मतलब इसके बाद यहाँ पे कोई भी हीट का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है और ऊपर का जो लेयर है वो बर्फ ही रहेगा और नीचे का जो जल रहेगा वो पानी बना रहेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा सभी को अच्छी तरह से। इसी प्रकार एक रीजन और है, देख लीजिए, पानी के असंगत व्यवहार के कारण, देख लीजिए पानी के असंगत व्यवहार के कारण चट्टाने फूटकर उसके टुकड़े होते हैं। चट्टाने ले लीजिए या पाइप ले लीजिए, कोई भी चीज ले सकती है, दोनों दोनों के लिए एक ही रीजन है, समझ, पाइप भी ले सकती है चट्टान। क्यों होता है बच्चों, देखो अगर समझो आप चट्टान ले लीजिए जिसमें पानी संचित किया गया है या पाइप ले लीजिए जिसमें से पानी प्रवाहित हो रहा है, तो इसमें होता है क्या बच्चों, जब पानी का तापमान गिरने लगता है, कहाँ से 10 डिग्री सेल्सियस में समझने के लिए रहा हूँ, 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होगा, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया कि नहीं, क्योंकि पानी का संकुचन होता है, उसका आकार कम होता है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक और कम हो रहा है, तब यहाँ पे पानी का प्रसरण होने लगता है, पानी फैलने लगता है। और पानी फैलने का कारण है कि क्या हो जाएगा बच्चों, उसका आयतन बढ़ने लगता है और आयतन बढ़ने के कारण ये पाइप ले लीजिए या क्या ले लीजिए, चट्टाने ले लीजिए, वो क्या हो जाएंगी, उसमें क्रैक पड़ जाएगा, दरार पड़ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो वो आशा करता हूँ कि आप सभी को पानी के असंगत के व्यवहार के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी और सभी बच्चों को समझ में आएगा, समझ में आया होगा। ठीक है दिनेश सर, आज का इतना ही कॉन्सेप्ट था। दिनेश सर, ओवर टू यू दिनेश सर। दिनेश सर आवाज आ रही है? दिनेश सर आवाज आ रही है? माइक ओपन कर सकते हैं दिनेश सर, बच्चों कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। दिनेश सर आवाज आ रही है?
हेलो सर। हेलो पूछना है। हाँ सर। सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आवाज आ रही है सर। क्वेश्चन लू इनका। हाँ सर, आज क्वेश्चन। हाँ सर, मनीषा कनौजिया। हाँ पूछो मनीषा। सर आपने जो भी पीडीएफ यानी पीडीएफ बनाया है, मनीषा एक मुझे अच्छी रीति से समझा है, लेकिन सर पीडीएफ एक बार व्हाट्सएप पे भेज देना सर। जरूर जरूर मनीषा, जरूर भेज दिया जाएगा। आप उसका टेंशन मत लो, पीडीएफ आपको पूरी पूरे चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा आपको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन एक दो बार आप पढ़ोगे ना तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि क्या मैंने बताया है। ओके और किसी को कुछ लोकेश डाउट? पटेल। लोकेश पटेल। लोकेश पटेल। लोकेश अभिजीत पटेल ठाकुर। अभिजीत ठाकुर वो माइक चालू करो। पाइप वाला बताए थे ना। हाँ बेटा बोलो। हाँ इसके बारे में समझ में नहीं आया। इसमें क्या होता है बच्चे, देखो शीत प्रदेश का मतलब हुआ जब टेम्परेचर कम होगा तापमान। अभी ये आपकी आपको दिख रहा है, मैं दिखा जो मैंने अभी हाँ डायग्राम ओपन किया है, जो पाइप है हाँ या चट्टान ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, कोई कुछ दोनों के लिए एक ही कारण है। ये समझो पाइप है, इसके अंदर पानी जा रहा है और आसपास का तापमान कम हो रहा है, मतलब ठंडी के समय में। तो तापमान कम होने की वजह से क्या हुआ, समझो कि पहले पानी का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस ऐसा समझ के ले लो, हाँ उसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस। ये चार जरा नंबर ध्यान में रखना, पूरा मैजिक चार का ही है। 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा, पानी का आयतन कम होगा, मतलब वो धीरे धीरे उसका जो वॉल्यूम है कम होगा, ठीक है। लेकिन हाँ 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है, और कम करोगे, 3 भी तो हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। जब हाँ 4 के नीचे आओगे ना, तब यहाँ पे पानी का जो व्यवहार है वो अलग हो जाता है, उसका आयतन बढ़ने लगता है, उसकी साइज बढ़ जाती है। तो जब उसकी साइज बढ़ेगी नल के अंदर, पाइप के अंदर या चट्टान के अंदर, तो आप समझ सकते हो कि वो जब प्रेशर पड़ेगा उसकी साइज की वजह से, तो जो नल ये रहेगी, पाइप रहेगी या चट्टान रहेगी, उसके अंदर क्रैक हो जाएगा, दरार हो जाएगी, समझ लो। पानी निकल जाएगा ना। हाँ अब टूट जाएगा ना, अभी अंदर से कोई हाँ प्रेशर डालेगा पाइप के अंदर से, समझ में आए कि नहीं। हाँ और वो समझ गया। प्रेशर कौन डाल रहा है, क्योंकि पानी डाल रहा है। पहले पानी चुपचाप था, 10 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी शांत था, लेकिन आक्रामक कब हो गया, जब 4 डिग्री सेल्सियस से और कम करने लगे। इसी को तो समझ पानी गया का सर। असंगत व्यवहार कहते हैं। बोलो आगे कौन है, किसको डाउट है? हाँ बोलिए बेटा। एक मिनट एक मिनट। अमित गुप्ता। सर जी हेलो। बोलो हाँ बोलो बोलो। बोलो सर। सर जी, जो है होम का उपकरण जैसे सर हाँ T1 T2 दिया, इसका मतलब सर? ये T1 तापमापी है, थर्मोमीटर है। T1 का मतलब तापमापी, उसको T1 टेम्परेचर है। ये यस दोनों सर। तापमापी है आपके सामने, थर्मोमीटर होते हैं ना जो तापमापी में हाँ हाँ। तो यहाँ पे दो तापमान हम लोग ले रहे हैं ना, इसलिए एक का T1 रखा है, एक का T2 रखा है, समझ में कि। जी सर। और कुछ? नो सर। मनीष मनीष चौहान माइक चालू करके पूछो। मनीष चौहान सर, बोलो। हाँ बोलो। ये मनीष बोलो बेटा। हाँ बोलो। आवाज डिग्री साफ नहीं। सेल्सियस के क्या है? आप फिर से बोलो क्या बोले। हेलो अरे क्या बोले, बोलो, हेलो, आवाज नहीं आ आवाज रहा नहीं आ बेटा। रही है सर। हाँ ठीक है सर। लेक्चर फिनिश हुआ, आवाज नहीं आ रही है मनीष की, डिस्टरबेंस है। अच्छा 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 ठीक है होमवर्क कुछ ठीक है। देना तो दे दीजिए सर, और ये हाँ पीपीटी सर। मुझे भेजिएगा, मैं इनके ग्रुप में भेज देता हूँ। ओके ओके सर। जरूर जरूर मैं पीपीटी बना के भेज